कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है मोदी हटाना और मोदी का लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाना। कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का लक्ष्य है और भ्रष्टाचारियों को बचाना और मोदी का लक्ष्य है भ्रष्टाचार हटाना। ये आज के घोषणा पत्र की गारंटी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल उनकी स्वयमेव गारंटी है। जो ये घोषणा पत्र है, जो ये संकल्प पत्र है, ये भारत के विकास का संकल्प पत्र है, गरीब के कल्याण का संकल्प पत्र है, ये युवाओं के उत्थान का संकल्प पत्र है, महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए उनको समाज में प्रतिष्ठा देने का संकल्प पत्र है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हमारा कार्यकर्ता काम करता है। एक एक मंडल में, एक एक विधानसभा में 100-200 ऐसे चेहरे रहते हैं जो विधायक बनने की क्षमता रखते हैं। और आज जो वहां पर एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है वो इस बात को मानकर कि भाजपा को मजबूत करने के लिए यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर के उन 9 के 9 जो हमारे माननीय विधायक हैं उनको जिताने के लिए कमर कस के जुटा हुआ। आप तो पतन की ओर जा ही रहे। हमें दुख होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने सुलझे हुए व्यक्ति होने पर भी वो कभी विधायकों को काले नाग बोलते, कभी विधायकों को भेड़े बोलते, कभी विधायकों को मेंढक बोलते हैं और कभी वो बोलते हैं कि इस विधायक को कूटो, पब्लिकली बोलते हैं कि इसको मारो। ये अराजकता, ये असम्मान, ये तो कोई व्यक्ति सहन नहीं करेगा। और उन्हीं के कारण ये सब खिलारा खिला हुआ है। इसलिए सत्ता उनके हाथ से अगर जाएगी वो स्वयमेव जिम्मेवार हैं और उन्होंने स्वयमेव ये सारा रचा है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है।